नमस्कार, मैं हूं आने कारण और हाजिर हूं विशेष चर्चा में एक बेहद अहम मुद्दे के साथ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मध्य प्रदेश में मंदसौर के उन 6 किसानों को श्रद्धांजलि जिन्हें 2017 में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये आंदोलन फसलों के सही दाम की मांग को लेकर था। किसानों की ये मांग और इसके लिए आंदोलन आज भी जारी है। इन किसानों की याद में किसान संगठनों ने 6 जून से हर महीने की 6 तारीख को कर्जा मुक्ति पूरा दाम इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया खास तौर पर ट्विटर अभियान चलाने का फैसला किया है। सरकार की योजनाओं या अब तक उठाए गए कदमों से आखिर किसान क्यों संतुष्ट नहीं है, इनकी कर्जा मुक्ति की मांग कितनी जायज है, ऐसे ही तमाम सवालों के साथ देखिए आज की हमारी चर्चा। कर्जा मुक्ति सही दाम कब पूरी होगी, किसानों की मांग। ऐसा क्यों किसानों के ऊपर तजुर्बा किया जाता है? पहले कानून बनाया जाता है और तजुर्बा किया जाता है, अगर ठीक हो तो बढ़िया है, अगर नहीं हो तो नया बना दो। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आपको मालूम है ना, 2015 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, बड़े जोश शोर से आई। क्या हुआ? आपका प्रीमियम गया, मिल मालिक जो हैं, जो बीमा मालिक हैं, मिल मालिक कह रहा हूँ, बीमा मालिक जो हैं वो मालामाल हो गए। और आज मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि नहीं, हम अपनी इंश्योरेंस योजना लेके आएंगे, प्रधानमंत्री की योजना ठीक नहीं है। पहले क्यों नहीं किया? वहीं जीरो बजट खेती आप ले आए, बड़े जोश के साथ पार्लियामेंट में ले आए, और जिसके नाम पे लेके आए, सुभाष जी, सुभाष पालेकर जी, वो कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कहाँ गई वो? फिर आपको याद होगा 2015 में ही भूमि अधिग्रहण के 3 अध्यादेश आए। जैसे कल 3 अध्यादेश आए, वैसे भूमि अधिग्रहण एक के बाद दूसरा तीसरा अध्यादेश आए। कहाँ गया वो बिल? ये लागू करने का तत्काल और हर ठीकरा किसान पे फोड़ने का काम गलत है। आप ऐसे करो, यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में लागू करो, स्टेट फार्म पे लागू करो, इंस्टीट्यूशन पे लागू करो, अपने अनुसंधान जो आपके केंद्र हैं उन पे लागू करो, रिसर्च केंद्रों पे लागू करो आप, और अगर सही हो तो कानून बना दो, पर किसान को बलि का बकरा मत बनाओ। आपको ये भी मालूम है ना, 3.5 लाख किसान पिछले 20 साल के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं, और 3 साल से तो आपने उसके आंकड़े छुपा लिए हैं, दबा लिए हैं। महाराष्ट्र में मालूम चला अभी जो आंकड़े आए कि पहले से बहुत ज्यादा आत्महत्या हो रही है। आज किसान को चाहिए सीधा सीधा SOS। क्या है राहत? क्या राहत? कर्जा मुक्ति पूरा दाम, सीटू का पूरा दाम चाहिए और पुराना कर्जा मुक्ति चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमारे छत्तीसगढ़ में हम अपना अनुभव जानते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर माजिसा एग्रो प्रोडक्ट नामक एग्री बिजनेस कंपनी ने छत्तीसगढ़ के 5,000 किसानों से काले चावल के धान के उत्पादन का सौदा किया था, लेकिन उसके बाद 22 करोड़ रुपए की चपत यहां के किसानों को लगी। जो सौदेबाजी हुई थी उस सौदे को मानने से कंपनी ने इनकार कर दिया, चावल खरीदने से इनकार कर दिया। जो चावल खरीदा गया था उस चावल के लिए जो चेक दिए गए थे वो चेक तक बाउंस हो गए। गुजरात में हमने आलू की खेती के नाम पर पेप्सिको ने जिस तरीके से विनाश लीला रची थी उसको भी हमने देखा कि गरीब किसानों पर किस तरीके से 5 करोड़ रुपयों का मुकदमा ठोक दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश में किस तरीके से तबाही मचाएगी उसकी एक बहुत छोटे छोटे उदाहरण है। हम ये कहना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश के खेती किसानी करने वालों के जो पुश्तैनी अधिकार है उन पुश्तैनी अधिकारों से उनको वंचित करेगा। समर्थन मूल्य तो दूर, लागत भी सुनिश्चित करने की गारंटी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं है, और इस देश में खेती करने वाला किसान पूरी तरीके से तबाही की ओर बढ़ेगा, वो अपनी जमीनों से लगातार वंचित हो जाएंगे। सरकारें निश्चित तौर पर नहीं चाहती कि हम लोग खेती करें, इसके लिए सरकार की नीति जो कर्ज देना है, जिसके जरिए सरकार चाहती है कि हम कर्ज से बिल्कुल डूब जाएं ताकि किसान अपनी जमीनें इन बड़े कॉरपोरेट घरानों को दे दे। सरकार खेती करानी चाहती है, खेती कराना चाहती है बड़े कॉरपोरेट घरानों से, कर्जा दे देकर हमारी जमीनें हमसे छीन कर उन कॉरपोरेट घरानों को दे दी जाएगी और उनके नीचे हम नौकरी करेंगे, तब
खेती को उद्योग का दर्जा भी दे दिया जाएगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सुझाव है, सरकार खुद चाहती है कि हम लोग खेती छोड़ दें, हम लोग सस्ते मजदूर बने इनकॉर्पोरेट घरानों के। और इस विशेष चर्चा में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, हमारे साथ हैं सोमपाल शास्त्री जी जो कि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, और केदार शंकर सिरोही जी किसान नेता हैं मध्य प्रदेश से, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा से जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केदार जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मंदसौर में आज ही के दिन 6 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस वक्त भी यही था आंदोलन का मुद्दा कि उनको फसलों के सही दाम मिले, और आज भी इतने सालों बाद 2017 के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं जब किसानों की अभी भी यही मांगे हैं। आज का ही दिन क्यों चुना है ट्विटर अभियान चलाने के लिए, और हर महीने की 6 तारीख को ये ट्विटर एक्शन, इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या सोच है, क्या दबाव बनाने की कोई स्ट्रैटेजी है, और आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि इस कोरोना के समय में भी जब सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी, हालांकि दावे किए कि हमने वो सारी चीजें की हैं जो खेती को लॉकडाउन से बाहर रखा गया और सब चीजों का ख्याल रखा गया, मगर आपकी राय जी। पहले तो मैं आज का दिन जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज हमारे 6 किसान साथी जो मेरे साथ के हैं वो शहीद हुए थे, वो उनकी भी मांग यही थी कि कर्जा मुक्ति और पूरा दाम, उसको लेके आज तीसरी वर्षीय, इसलिए उनको मैं नमन करता हूँ। आपने ये सही कहा, आज इसके पीछे हमारी जो स्ट्रेटजी है कि सड़क से अब हम सोशल मीडिया की तरफ आ गए हैं, क्योंकि आज का समय सड़क पे आने का नहीं है। और जो जिस तरीके से सरकार ने देश में एक माहौल बनाया है कि हम जो है किसानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, अच्छे दिन की बात करके आए थे और लुच्चे दिन हमारे लिए लेके आ गए। जहां हमारे को खेती को फायदे का सौदा करना था वहां पर इनने घाटा दिया है। दूसरी बात रही, ये लोग जो है वो कागज देखी बात करते हैं, जमीन देखी बात बिल्कुल नहीं करते हैं। ये कारण जो गैप था हमारे और आम जन के बीच में और सरकार के लोगों के बीच में, तो उसका सबसे सरल और सही तरीका आज की तारीख में जो है वो सोशल मीडिया का, ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम लोग लोगों तक ये जागरूकता करने जी, की आपने बात जमीन की बात करने बात, की बात कही। जमीन पर अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में मंडियों का प्राइवेटाइजेशन, चना गेहूं की खरीद में हमने देखी है लंबी लंबी ट्रॉलियां लाइनें, 3 किसान इनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से, बद इंतजामी की वजह से, तमाम ऐसी दिक्कतें। और जो हाल में जिसको हम बोल सकते हैं कि कितना ही गेहूं बारिश में भीग गया, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो सरकार है, जो भाजपा के लोग हैं, वोट के लिए तो बूथ का प्रबंधन करते हैं, अपने आप को प्रबंधन की सरकार मानते हैं, परंतु विधायक लाने में, मैनेजमेंट करने में, सरकार बनाने में इनका प्रबंधन सबसे उच्च क्वालिटी का है। परंतु आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 15 लाख मेट्रिक टन गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया है, 1.5 से 2 लाख टन करीब का जो चना है वो बाहर पड़ा है। पर 5 दिन से मौसम विभाग अपना इनको जगा रहा था, न्यूज मीडिया सब इनसे कह रहा था, पर एक भी जनप्रतिनिधि ने सरकार में कुछ भी नहीं सुना। आज ये जो हमारा गेहूं है वो बर्बाद कर दिया, हमारे खून पसीने को बर्बाद करके ये अपने उद्योगपति मित्रों के लिए नई व्यवस्था बनाने के लिए जा रहे। ये लोग बात बड़ी अच्छी करते हैं, 1 तारीख को इनने ट्वीट कर दिया कि हम लोग 2% का तिवड़ा खरीदेंगे, ऑर्डर आया 4 तारीख को, 4 दिन पहले मूंग MSP पे खरीदेंगे, रजिस्ट्रेशन 4 तारीख से चालू होगा, आज तक नहीं हुआ। इनके लोग सिर्फ गाल बजाना जानते हैं, इनके कार्यकर्ता थाल बजाना जानते हैं, जमीनी हकीकत और वास्तविकता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। किसान की पीड़ा इनके सिर्फ दिखावे पर है, इनके मुखौटे पर है, इनके भाषणों पर है, इनके ट्विटर और फेसबुक पर है, जमीन खासतौर से मध्य प्रदेश में सरकार फसल बीमा, एक नई फसल बीमा योजना लाना चाह रही है। इसका मतलब क्या सरकार मान रही है कि केंद्र सरकार की जो एक फ्लैगशिप योजना थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो कारगर नहीं रही, किसानों के मुकाबले कंपनियों को ज्यादा फायदा पहुंचा? बिल्कुल, इसका तो मतलब यही है कि जो हम पिछले, जब ये मध्य प्रदेश के शेरपुर में जब प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बाद हम लगातार आवाज उठाते रहे थे कि ये लूटकारी योजना है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है, उसके अंदर जो फार्मूला है, इंडेमिनिटी का फैक्टर है, ये तमाम तरह का, ये इस बार
मोदी जी की जो पार्टी है उन्हीं के लोगों ने माना है और उस योजना को बिल्कुल फेल करार दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश में एक नई योजना ये लोग लेके आ रहे हैं। मतलब जो किसान नेता आज तक भारत के कह रहे थे पिछले कई सालों से, जो भाजपा नहीं मान रही थी, आज उनको ये मानना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो पूर्णतः फेल थी, फ्लॉप थी और किसानों का शोषण करने वाली थी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे साथ सोमपाल शास्त्री जी हैं। सोमपाल जी, ये बताएं कि कर्जा मुक्ति पूरा दाम, अब ये मांग है, आपको क्या लगता है? किसानों का कहना है कि कर्जा मुक्ति मांग रहे थे तो थमा दी कर्ज की छड़ी, और अगर पूरे दाम की बात करें तो जो ये अध्यादेश के जरिए खेती में रिफॉर्म्स की बात है तो कहा जा रहा है कि मंडियों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, कई जगह पे हो भी रही है ये व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है और जो प्याज और एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके स्टॉक पर भी लिमिट को खोल दिया गया है। आपको लगता है कि ऐसी कंडीशंस में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनको पूरा दाम मिल पाएगा? जी अनिका जी, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। एक मैं आपसे निवेदन करूं कि इतनी छोटी चर्चा में, इतने अल्प काल में आप सारे बहुत सारे मुद्दों को इकट्ठा कर देती हैं, उसमें से किसी के ऊपर भी कोई निर्णायक बहस नहीं हो पाती। सबसे बड़ा प्रश्न है, एक सवाल तो आपने पहले ये किया जो केदार सिरोही जी से किया, कि ये जो सोशल मीडिया पर आंदोलन का एक नया स्वरूप खड़ा करना चाह रहे हैं किसान लोग, क्या उसका प्रभाव किसान पर पड़ेगा या सरकार के ऊपर पड़ेगा? मैं गलती कह गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के ऊपर इस अभियान का नहीं। जब सड़क के ऊपर हजारों नहीं लाखों किसान आते थे तब भी एक आध बार को छोड़कर, और वो भी टुकड़ों टुकड़ों में सरकार कोई फैसला करती थी, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत का किसान अपनी तकदीर को, अपनी स्थिति को रोता रहता है, परेशान होता है, और ये उसका रोना और परेशान होना बहुत उचित भी है, वाजिब है, उसमें असलियत है। परंतु यह मुद्दा जब तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता, राजनीतिक इस सेंस में कि जब तक उसके आधार पर वोट करना किसान नहीं सीखेगा इन मुद्दों के आधार पर, इनका सरकारों के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और जहाँ तक संगठन की बात है कि सारे संगठन मिलकर, चढ़ूनी साहब बैठे हैं, केदार जी भी बैठे हैं, हमारे दोस्त वीरेंद्र मोहन जी भी हैं, और बहुत सारे भूपेंद्र सिंह जी मान थे और बहुत किसान लोग थे, 200 या कितने संगठन हैं, आप ये बताइए कि कई करोड़ किसान, संगठित होना आसान है या जो हम 10-20-50 लोग किसानों की बात करने वाले, अपने आप को किसानों का नेता कहने वाले, हमारा इकट्ठा होना ज़्यादा आसान है? तो मैं पहले इनसे ये निवेदन करूंगा कि ये सारे संगठन तो एक स्थान के ऊपर हो जाएं। अगर ये नहीं होते, हम लोग नहीं होते, तो हमारे पास कोई नैतिक आधार नहीं बचता किसान को ये कहने का कि वे संगठित हो जाएं। तीसरी बात आपने कही वाजिब दाम मिलने का, वाजिब दाम मिलना तो नई बात नहीं है। वाजिब दाम मिलने के लिए तो ही 1965-66 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का गठन हुआ था, जिसको बाद में कृषि मूल्य और लागत आयोग बना दिया गया। उसमें ये प्रावधान था कि किसानों की जिन्सों के ऊपर, फसल के ऊपर आने वाली लागत और उसके ऊपर कुछ प्रतिशत जोड़कर उनको दाम दिया जाएगा। और इस स्थान के ऊपर मैं एक बहुत ठोस और स्पेसिफिक बात कहना चाहता हूं कि 2014 के चुनाव से पूर्व सैकड़ों सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रत्याशी थे प्रधानमंत्री बनने के, उस समय से लगातार ये कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। ये जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं बार बार अपने पटल के ऊपर कि C2 के ऊपर 50% जोड़कर दाम दिया जाएगा, 4.5 वर्ष तो इन्होंने कुछ किया नहीं, 4.5 साल के बाद आकर A2 + FL के ऊपर 50% जोड़कर उस परिभाषा को बदलकर किसान के साथ धोखा किया गया है। और जहाँ तक इन मंडी के सुधारों का सवाल है, मंडी के सुधार के विषय में ये बात बिल्कुल भ्रामक है कि स्वतंत्रता दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कभी भी मना नहीं था भारत में, पेप्सी ने पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया, आलू टमाटर आदि उगवाने शुरू किए, परंतु उसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं। आज तो दिक्कत यह है कि स्वतंत्रता देने का लाभ तो तब हो जब मंडी के बाहर भाव मंडी से बेहतर हो। विडंबना तो यह है
कि हिंदुस्तान के किसान को सबसे ऊंचा भाव मिलता ही मंडी पर में। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार को इस वक्त जो पॉलिसीज वो लेकर आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बाहर है मंडी के बाहर किसानों के पास ज्यादा दायरा होगा और अपनी फसल बेचने के विकल्प ज्यादा होंगे? आपको नहीं लगता है कि ऐसे में जो मिडिलमैन और ट्रेडर्स को दूर करने की बात हो रही है वही वो मुखौटा पहनकर आ जाएंगे? अनिका जी एक बात सुन लीजिए, आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान की समस्या यह है कि मंडी में ही उसको सबसे ज्यादा भाव मिल रहा है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। बाहर ज्यादा भाव मिले, उसे स्वतंत्रता दी जाए, तब तो बात समझ में आती है। बात उल्टी है। डिस्ट्रेस सेल के समय मंडी में ही उसको सबसे ज्यादा भाव मिलता है, बाहर तो उससे कम मिलता है, इसीलिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जा रही है। तो ये सवाल ही आपका बेमानी है। तो अब तो सरकार का मुझे लगता है कि वो इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो षड्यंत्र है उल्टा, ये कहना चाहता हूं, इसको समझिए जरा। जी मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ रही हूं। मैं उसी पर एक बार फिर से आना चाहूंगी, मगर फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए विशेष चर्चा। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2602। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 9165025500। RKDF University, a world-class university, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, ना कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1-800-270-0320। श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान।
SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-2602। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी। मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं, तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे। ये प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जानी भी जाती है और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड 2020 वुड बी सीन एज अ ईयर नॉट फॉर द विजन 2020 बट फॉर कोरोना 2020। देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। RKDF University, a world-class university, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, ना कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1-800-270-0320। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम ये विशेष चर्चा कर रहे हैं कि किसान मांग कर रहे हैं कर्जा मुक्ति पूरा दाम। हम ऐसा सोमपाल शास्त्री जी हैं। सोमपाल जी, ये बताइए, हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले कि मंडियों में ही ठीक से भाव नहीं मिल रहा है और सरकार इस तरह की बातें कर रही है, दावे कर रही है कि मंडी के भाव को भरमार मिलेगी, विकल्प मिलेंगे, ताकि जितने भी प्राइवेट ट्रेडर्स हैं या एग्री बिजनेस में जो कंपनियां हैं वो एक अच्छा भाव दे पाएंगी। तो आप इस पर क्या बोलेंगे? असल में जो किसान है, छोटे और सीमांत किसान, उनको कितना फायदा पहुंचेगा? अनिकी, मैं ये बात दोबारा से साफ कर दूं, हालांकि मैं पहले ये बात कह चुका हूं कि कठिनाई सबसे बड़ी ये है, विडंबना ये है कि भाव मंडी में ही सबसे ज़्यादा मिलता है। आप किसी भी जींस को ले लीजिए, बाहर उसका भाव कम मिलता है, इसीलिए लोग उसको मंडी में ले जाते हैं। मैंने आपसे चर्चा किया था कि बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले, पेप्सी कोला ने पंजाब में आलू और टमाटर, मिर्च आदि उगाने का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया था किसानों से।
वो किन्हीं कारणों से असफल रहा उसमें मैं अब नहीं जाऊंगा, और वर्तमान स्थिति है अब से नहीं पिछले करीब 40 वर्ष से कि मंडी के बाहर दाम कम मिलता है, इसीलिए मजबूर होकर सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली का आविष्कार करना पड़ा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किसान को मिल जाए तो वो अपने आप को धन्य मानता है, मंडी के बाहर तो वह भी नहीं मिलता, इसलिए इस बात का ढिंढोरा पीटा कि मंडी के बाहर बेचने की स्वतंत्रता दी जाएगी और उससे किसान मालोमाल हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। आज और इसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है, इसी का नाम न्यूनतम समर्थन मूल्य, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं अगर मंडी से बाहर अच्छा दाम मिले तो। जी, लेकिन सरकार का दावा है कि ऐतिहासिक है और इतनी ज्यादा आजादी मिली है किसानों को, एक देश एक बाजार। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात सामने आई है, किसानों का कहना है कि इसमें फिर से छोटे किसान मारे जाएंगे क्योंकि वो तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो फसल की विविधीकरण जो होती है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर असर पड़ेगा और जो किसान है वो अपने ही खेत पर गुलाम हो जाएंगे। आप मुझसे उत्तर मांग रही हैं इसका? जी जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आता हूं कि ये देखिए, इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का स्वरूप क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दो प्रकार का होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो है कि किसान से सीधे कॉन्ट्रैक्ट करके कोई कंपनी या व्यापारी एक निश्चित दाम के ऊपर किसी चीज़ का उत्पादन कराए और उस निश्चित दाम के ऊपर उससे खरीदने का वायदा करे। यदि ऐसा है और वो मंडी से बेहतर दाम देते हैं, निश्चित दाम किसान को मिलता है, तो निश्चित रूप से किसान को फायदा होगा। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अवधारणा वह है जो लगभग वामपंथी दल बार बार जिसका प्रचार करते रहे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने शुरू कर दिया तो किसानों की ज़मीन जो है वो कंपनियों के पास चली जाएगी, पर ये बात मंडी कानून से या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से गवर्न नहीं होती। इसका कानून जो है वो ज़मीन की जो लीज पट्टे पर दिए जाने की बात है उससे गवर्न होता है। तो अगर उसमें परिवर्तन कर दिया जाए और पट्टे पर ज़मीन लेने की बात कंपनियां करें, वो भी मनमाने दाम पर, तब तो ये आशंका सही है। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खाली इस बात का है कि हम फला उत्पाद आपसे इस निश्चित दाम के ऊपर उगवाएंगे और उसको खरीदेंगे, तो कोई ज़मीन नहीं जाएगी और निश्चित रूप से किसान को बेहतर निश्चित दाम मिलेगा। परंतु कभी कभी यह भी होता है कि जिस निश्चित दाम पर कंपनी ने वह उत्पाद उगवाया किसान से और किसान को मंडी में या बाहर उससे ज़्यादा दाम मिला, तो किसान भी बेहतर दाम का लाभ लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस तरह की अनेकों घटना है, इसलिए इतना आसान नहीं है कोई सी भी बात कहना कि लाभ होगा या नहीं होगा। पर मैं मंडी की बात पर कहता हूँ कि ज़्यादातर जिन्सों का भाव मंडी में ही बेहतर मिलता है, इसलिए किसान को वहाँ जाकर बेचने की मजबूरी, अगर उससे बेहतर भाव मिले तो निश्चित रूप से उसको फायदा होगा, पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अभी खुला सवाल है। जी शुक्रिया इस इंसाइट के लिए। हमारे साथ गुरनाम सिंह चरूनी जी जुड़ गए हैं। गुरनाम जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से केदार सिरोही जी ने अपनी बात रखी कि जो किसान हैं उनको ठीक तरह से भाव नहीं मिल रहे हैं और ये जो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के हाथ में जो डोर है वो उनको देने की बात है, आपकी क्या राय है जो ये तीन ऐतिहासिक कदम उठाए हैं सरकार ने मंडी रिफॉर्म्स के, उस पर आपको क्या लगता है कि किसानों को, खासतौर से छोटे किसानों को फायदा होगा या नहीं? जो मंदसौर में शहीद हुए थे 6 किसान, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, उनको नमन करना चाहूंगा जिन्होंने किसानों के मांगों के लिए अपनी जान निशावर की थी। और दूसरा, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा जो किसानों की बहुत अच्छी आवाज उठा रहे हैं। जो आपने सवाल किया है कि जो सरकार ने हाल ही में अध्यादेश जारी किए हैं उनसे किसानों को फायदा होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां इन्होंने ये किया है कि किसान अब आजाद है, सारे देश में कहीं बेच सकता है, वो पहले भी था, ये अब नहीं किया, ये पहले से ही है। हम दिल्ली में ले जाके सब्जी बेचते हैं, पंजाब में ले जाके गन्ना बेचते हैं, हमारे पे कहीं पाबंदी किसान पे नहीं है।
और ये एक मैं आपको और बता दूं कि अगर 2 एकड़ वाला किसान है और वो अपना टमाटर लेके मुंबई में बेचना चाहे तो नहीं बेच पाएगा। 2 एकड़ वाला किसान कहीं जा ही नहीं पाएगा। ये जो जो इन्होंने कानून बनाया था, देश जारी किया है, ये बड़ी कंपनियों के लिए एक ग्राउंड तैयार किया है कि बड़ी कंपनियां जो है उनके लिए आगे जो खेती है वो उनको जा रही है, बड़े पूंजीपतियों के हवाले खेती जा रही है और वो हजारों एकड़ के प्लाट में खेती करेंगे। तो वो जो है वो व्यापारी जो होंगे साथ में, वो केवल किसान नहीं होंगे और उनको व्यापार करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए, वो अपना माल यहाँ से जहाँ। इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है कि अगर एक बार खेती कॉरपोरेट्स के हाथ में आई, बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्री बिजनेस वेंचर्स की बात हो रही है, तो उसके बाद जाके MSP भी शायद दुरुस्त हो जाए और जो खेती को उद्योग का दर्जा मिलने की बात है लंबे समय से, शायद वो भी दे दी जाए। इस तरह की आशंकाएं हैं किसानों की। आप ये बताइए कि इतने समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से लेकर अब सोशल मीडिया ट्विटर पर, आपको लगता है कि किसान एकजुट हैं अपने मुद्दों पर या फिर अभी भी जो तमाम तरह के राष्ट्रवाद है, तरह तरह के जो वाद है, जातिवाद, राष्ट्रवाद, ये सब हावी है? देखिए, किसान वैसे तो सब मुद्दों पर एकजुट है, सबकी मांगे एक जैसी हैं, सब चाहते हैं किसान समृद्ध हो, लेकिन जहां बीमारी पड़ती है, जब चुनाव आता है तब हम किसान नहीं रहते, तब हम जाति में बंट जाते हैं, तब हम धर्मों में बंट जाते हैं और ये राजनीतिक पार्टियां हमें धर्मों और जाति में बांटकर हमारा फायदा उठाती हैं। उस वक्त हम किसान नहीं रहते। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये हमें हो रहा है कि हम राजनीतिक तौर पर एक नहीं है, अपनी मांगों पे लड़ाई में उसमें तो हम सारी मांगे एक जैसी हैं, लेकिन जहां हमें सरकार, जहां हमें अपनी वोट का प्रयोग करना होता है कि हमारे पक्ष में कौन सी सरकार है, किसान के पक्ष में कौन सी राजनीतिक पार्टी है, वहां जाके हम किसान नहीं बचते। वोट का हम किसान मान के नहीं देते, वोट हम अपने आप को जाट मान लेते हैं, सैनी मान लेते हैं, धर्मों और जातियों में बट के वोट देते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान उसमें हो रहा है। तो आपको लगता है कि अब जब इतनी चोट खा चुके हैं किसान, इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, मंदसौर की घटना हुई, उससे पहले से, उसके बाद भी सब यही खड़े हैं जहां इतने सालों पहले थे, क्या अब किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्रांति के मूड में है? आपको क्या लगता है आगे का भविष्य? देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं कि हमारा पास जो एडवर्टाइजमेंट का साधन है वो एडवर्टाइजमेंट के साधन बहुत कम हैं, और अभी जो है जो बड़े चैनल हैं वो सारे कारपोरेट ने खरीद लिए हैं। जो बड़े चैनल हैं, अब अडानी के 50 चैनल हैं, अंबानी के 33-34 चैनल हैं, जो वो खबरें देंगे, जो जिस तरह से वो प्रचार करेंगे चुनाव के टाइम में, वो देश को मोड़ दे देते हैं। तो इसलिए किसानों का तो अपना, आप जैसे जो लोग हैं वो केवल किसानों की आवाज़ उठाते हैं, बहुत कम चैनल है, बहुत कम अखबार है जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो जो बड़े चैनल हैं, जो कारपोरेट ने जो उनके मालिक बन गए हैं, वो एक बड़ा कारण है कि जब चुनाव का प्रचार होता है या जिस तरह से देश के किसानों को मोड़ देना होता है, जिस तरह से अफवाह फैलानी होती है, वो उसमें बड़ा काम करते हैं और वो किसान की जो बात है वो पीछे छुड़ जाती है और जो बाकी मुद्दे हैं वो आगे आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम आगे भी जो हमें नहीं लगता कि हम कोई इकट्ठे होके बहुत बड़ा सरकार को मजबूर किसी तरह कर देंगे। और इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, पहले जो था वो लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए होती थी, अब कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट की सरकार कारपोरेट के लिए है। ये पहले में और आज में अंतर है। पहले होता था कि जो पब्लिक की भावना है, जो पब्लिक ने एक बार इकट्ठे होके दिखा दिया या जनता से जो आवाज आई वो नेता मार लेते थे, तो ये जनता की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने ये बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रखा है और हम आशा करते हैं कि सभी देश भर के किसान जो इसको देख रहे होंगे वो इससे एक बड़ी सीख सामने है उन सबके कि जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक उनके मुद्दों को तरजीह नहीं दी जाएगी। एक तरह से एक पूरा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तब उनकी बातें सुनी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इसमें जुड़ने के लिए। विशेष चर्चा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।